हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिवीजन ऑफ अल्जेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड देकर के सीखेंगे कैसे क्वेश्चन और रिमाइंडर निकलता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हम एक ले रहे हैं, क्वेश्चंस हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स माइनस टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स पे पावर 6 प्लस 1। इस क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। यहाँ पे एक्स पे पावर 6 है ना, नीचे क्या चाहिए हमें, एक्स पे पावर 6। तो इस एक्स में कितना मल्टीप्लाई किया जाए, ये आ जाए, तो एक्स में एक्स पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स को एक्स पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एक्स पे पावर 5। एक्स पे पावर 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 6। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x पे पावर 5 आ। यहाँ ये प्लस में है माइनस, यहाँ माइनस में ये प्लस, ये कैंसिल, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या ये दोनों कैंसिल होगा, एड सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ये एक्स पे पावर 5 है और ओ 1 है, एड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो जो एड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे 2x पे पावर 5 और +1। अब बताओ एक्स में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 2x पे पावर 5 आ जाए, तो एक्स में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2x पे पावर 4 से, 2x पे पावर 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 2x पे पावर 5 आ जाएगा, 2x पे पावर 4 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 2x पे पावर 5। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया है तो इसको हम लोग -2 से भी करेंगे, तो इसको -2 से अगर करेंगे तो 2 2 जा क्या आ जाएगा, -4, और क्या लिखा जाएगा, x पे पावर। यहाँ लाइन लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। क्या ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली वैसे ही लिख देंगे हम लोग 4x पे पावर 4 और प्लस क्या लिख देंगे, 1। अब एक्स में कितना मल्टीप्लाई किया जाए 4x पे पावर 4 आ जाए, तो एक्स में कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4x³। 4x³ इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 4x पे पावर 4। फिर 4x³ इंटू 2, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -4 2 जा क्या हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, इन दोनों को क्या करेंगे, एड सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे सिंपली, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, +8x³ है, +8x³ है और प्लस क्या है। तो इस एक्स में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास +8x³ आ जाए, तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 8x² 8x² इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा, 8x² इंटू 2, इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16x², यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, ये कैंसिल, क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ देखो क्या ये दोनों सॉल्व होगा, नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 16x² सॉल्व नहीं होता तो वैसे ही लिख देते हैं हम लोग +1। अब एक्स में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 16x² आ जाए, तो एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16x से, 16x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 16x², यहाँ लिखेंगे हम 16x, तो 16x इंटू एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 16x² आ जाएगा, 16x इंटू 2 क्या आ जाएगा, -32x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस माइनस, अब क्या ये दोनों सॉल्व होगा यहाँ पे, नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, 32x प्लस में रह जाएगा और +1। एक्स में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स में +32 से, एक्स में +32 से, 32 इंटू एक्स क्या आएगा, 32x आ जाएगा, 32 इंटू 2, तो ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 32 2 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो लग जाएगा प्लस, ये कैंसल, यहाँ अब ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अब लाइक टर्म हो गया, 64 प्लस 64 और +1, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 64 में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, समझ में आया, इस तरह का डिविजन कैसे करेंगे, क्लियर है यहाँ पे। चलिए ठीक,